हेलो गाइस, टेक्निकल कामदे में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप ऐप के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी एसएमएस करता है और आप अपना एसएमएस डिलीट कर देते हैं तो आप उनका एसएमएस पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि वो डिलीट एसएमएस करने के बावजूद आप उनका एसएमएस कैसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि आप बिना किसी ऐप लोड किए हुए आप किसी का भी एसएमएस कैसे पढ़ सकते हैं डिलीट करने के बावजूद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अपने व्हाट्सएप पे चले जाइए। जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया, अब मैं अपना दूसरे वाले व्हाट्सएप पे इनको एसएमएस सेंड करता हूँ। जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग माई स्वीट फ्रेंड, कैसे हो। देखिए दोस्तों, मैंने 4 एसएमएस सेंड किया है, ये मेरे दूसरे वाले व्हाट्सएप पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरे वाले व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा 4 आ चुका है, 4 एसएमएस आ चुका है। अब मैं वहाँ से जाके इनको डिलीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, डिलीट फॉर एवरीवन, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये मेरा एसएमएस डिलीट हो चुका है। अब मैं वहाँ पे जाके देखूँगा कि मेरा एसएमएस डिलीट नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा 4 एसएमएस शो कर रहा है। इस तरह दोस्तों आप किसी का भी एसएमएस पढ़ सकते हैं डिलीट करने के बावजूद। चलिए मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। क्या कर, क्या कर रहे हो भाई, हाउ आर यू, देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर मैंने 2 एसएमएस सेंड किया है। अब फिर मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा 2 एसएमएस आ चुका है, मैं फिर वहाँ से जाके इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फॉर एवरीवन, और फिर वहाँ पे आके मैं इनको चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा दोनों एसएमएस रह चुका है डिलीट करने के बावजूद। क्या कर रहे हो, हाउ आर यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी इनका लाभ उठा सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सिंपल यहाँ से चले जाइए। और इसको एक सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3G वाले पे चले जाइए और यहाँ पर यू मोड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, एंटी डिलीट मैसेज, इसको जाके यहाँ पर इनेबल नहीं हुआ है, इसको इनेबल कर देना है दोस्तों, ताकि आप उनका डिलीट हुए एसएमएस पढ़ सकें। तो इस तरह से आप उनका एसएमएस पढ़ सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। कोई भी अगर जल्दीबाजी में उनका एसएमएस डिलीट भी कर देता है तो आप बाद में इनको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।